नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा ओमान में, मतलब पिछले जुमा हो गया और शनिवार हो गया, इतने मतलब 2 दिनों में कितनी मात्रा में बीमारी आया, क्योंकि लगातार ओमान में मतलब इस समय देखा जाए तो काफी ज्यादा मतलब केस बढ़ता ही जा रहा है। क्या वजह इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही बता सकती है, लेकिन ओमान में देखा जाए तो केस पूरा बढ़ता ही जा रहा। तो पूरा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं, आपको बता दें कि ये अपडेट जुम्मा हो गया सैटरडे, ये 2 दिन तो आपको मालूम होगा पहले से कि ओमान में मतलब छुट्टी का दिन रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पहले ही कहा कि हम छुट्टी के दिनों में कोई भी बायोडाटा आपके सामने नहीं पेश करेंगे, बेझिझक आप इसका टेंशन ना ले। तो इसकी वजह से मतलब बायोडाटा नहीं आता। अब आज जो आज बायोडाटा आया है, आपको बता दें रविवार का ये बायोडाटा है, और इसमें मतलब क्योंकि शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया और रविवार है, मतलब 3 दिन का बायोडाटा की बात करें तो यहाँ पे नए मामले की अगर जो बात किया जाए ओमान में, तो यहाँ पे 1722 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मतलब काफी ज्यादा, एक दिन में 500 प्लस बीमारी देखी गई, जो कि काफी ज्यादा मतलब बढ़ रही है। वहीं बात करें अब मतलब कि कितने आदमी एक्सपायर हुए हैं इन दिनों में, बात करें तो यहाँ पे 28 आदमी का डेथ बता रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको ट्वीट कर जानकारी दिया। मतलब आप समझ सकते हैं 3 दिन में 28 आदमी मारे गए हैं इस बीमारी की वजह से, जो कि काफी बैड है। वहीं टोटल केस की अगर जो बात कर ले आज तक, अगर जो 20 सितंबर 2020 की तक बात करें, जो कि आज तक ओमान में कितना केस हुआ उसकी बात करें, तो यहाँ पे 93,475 मामले अब तक ओमान में दर्ज किए गए हैं। ये इतने मामले आज तक मैं बात कर रहा हूँ। रिकवरी की अगर जो बात करें, जैसे ओमान में मतलब रिकवरी रेट तो आपको मालूम होगा काफी बेहतरीन था, लेकिन इस समय की बात की जाए तो इस समय थोड़ा बहुत मतलब डाउन जा रहा है भाई। रिकवरी रेट पहले कितना था, 94.5% के करीब था, लेकिन इस समय की बात करें रिकवरी रेट तो 91.3 पे आ चुका है। मतलब दिन ब दिन मतलब ये पिछले हफ्ते से ही गिरावट आ रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते से केस काफी ज्यादा उछाल दर्ज कर रहा है। वहीं रिकवरी की टोटल अगर जो बात करें तो यहाँ पे 85,418 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं इस बीमारी की वजह से, मतलब ठीक हो चुके हैं, जो कि काफी बेहतरीन है, क्योंकि 93,000 प्लस यहाँ पे केस है, इसमें 85,000 प्लस आदमी मतलब ठीक भी हो चुके हैं, बस ज्यादा डिफरेंस तो रह नहीं गया देखा जाए तो। वहीं अब तक टोटल एक्सपायर की बात करें, अब तक ओमान में कितने आदमी एक्सपायर हुए उनकी अगर जो बात करें, तो यहाँ पे आज तक 20 सितंबर 2020 तक बात करें तो 846 लोग आज तक एक्सपायर हुए हैं, जो कि दुखद काफी है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से वो अपना जान गंवा बैठे, जो कि काफी बैड है। वहीं बात करें करण आईसीयू की अगर जो बात करें तो 172 आदमी करण आईसीयू में है। टोटल एडमिट की बात करें तो यहाँ पे 554 आदमी करण मतलब टोटल एडमिट पे हैं। तो ये थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको ट्वीट कर जानकारी दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।